तुम्हारी भैंस की तुम सोलो रुक जाओ तुम्हारी ये क्या भाई? मुझे क्या लगता है इसके अंदर जो सामान है ना गाइस वो गया मैं डैम श्योर हूँ वरना अगर कुछ गड़बड़ हुई तो यार मतलब ना सब कुछ चला जाएगा मैं चला जाऊंगा माइकल चला जाएगा ड्राइवर ट्रेन आ रही है हम बच जाएंगे ना हाँ बच जाएंगे जितना ओ भाई ये कौन सी जगह मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे हो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बट मैं गाइस यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने आया हूँ बताता हूँ पहले एक सेकंड ये पुलिस स्टेशन ना ठीक है हमारे बिल्कुल टारगेट पे है मुझको आराम से कूदना होगा भाई एक पैराशूट है एक चांस है एक नहीं नहीं रुक जा माइकल रुक जा और यहाँ से मारा जंप खुल जा बस ठीक है गुड अब हमको यहाँ से पुलिस स्टेशन के ऊपर छत पर जाना है और हेलीकॉप्टर भी नहीं है चलो कोई बात नहीं हमको बस वहाँ से ड्रेस उठाना है और फिर ड्रेस उठा लेंगे तो इजीली हम आराम से कार तो उठा ही लेंगे और ये बिल्कुल सिंपल सा काम है लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि माइकल कर पाएगा यार मेरे को ना सच में मेरी ड्राइविंग पे और मेरे पैराशूट स्किल्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं आज फर्स्ट टाइम मैं पैराशूट यूज कर रहा हूँ मतलब इतना लॉन्ग वे लॉन्ग क्या कहते हैं यार लॉन्ग डिस्टेंस से कोई बात नहीं प्लीज उतर जा माइकल माइकल भाई प्लीज छत पे उतरना है माइकल प्लीज प्लीज बढ़िया व्हाट अरे छत पे कैसे पता लग गया पुलिस वालों को वेट मुझे बंदों को मारना तो नहीं है यार एक सेकंड मुझको स्टन गन लेना है गाइस आप सोच रहे हो मैं पुलिस वालों को मार क्यों नहीं सकता भाई मैं इसे नहीं मार सकता क्योंकि देखो यार साइंटिस्ट ने हमको मना किया और स्पाइडी भी आप जानते हो स्पाइडरमैन आ रखा है अपने यूनिवर्स में और मैं नहीं चाहता कि मैं उसको मेरे पास वेस्ट नहीं है उस तरह का कि मैं इतना झेल पाऊं यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरा मिशन इस तरह शुरू होगा वेट वेट स्टन गन एक बार मार दूं ना बस एक सेकंड आजा 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 प्लीज प्लीज ओ नो 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा आजा 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 भाई क्या हो रहा ये कहां से आया बेटे निकल जा चलो बढ़िया ओके बढ़िया मुझको बस यहाँ से भाग निकलना है चलो भाई स्टन गन सच में अगर मेरे पास असॉल्ट होती ना तो मैं अब तक इन लोग को तो भात भर दिया होता लेकिन क्या करूँ मुझे गाड़ी ढूंढनी होगी मेरे पास बेस्ट नहीं है मैं मारा जाऊंगा जल्दी से गाड़ी उठा ले 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 शॉर्ट गन ले रखा भाई ये भात भर देगा ये भात भर देगा वेट 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 जल्दी से बस उठा लो कार में बैठ माइकल क्या कर रहे बस मुझको यहाँ से निकलना हो किसी तरह भाई यार मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी शुरुआत ऐसे होगी वीडियो की भाई मैं यार सोचा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं मैं इंट्रोडक्शन भी नहीं देगा चलो कोई बात फिर भी देता हूँ बेकार वेलकम बैक अगेन अनदर एपिसोड ऑफ GTA 5 हम लोग पुलिस वालों से बच के भाग रहे लेवल 3 की स्टार की पुलिस लगी मैं अभी बोल रहा था कि मेरी ड्राइविंग स्किल्स इंप्रूव हो गई बट वो नहीं हो पाया ट्रक वाले चला जाए यहाँ से सुअर के बच्चे नहीं मार दूंगा तेरे को क्या मैं कर रहा था बट मुझे अपनी गाड़ी को डिस्ट्रॉय नहीं देना क्योंकि मेरे को एक जगह जाना होगा मैं कैसे दिखाऊं आपको पॉज करके दिखाता हूं मुझे एक्चुअली यहां जाना है आप ये देख रहे होगे ना क्योंकि एक सेकेंड आपको पता है ना कि वो ह्यूमन रिसर्च सेंटर है अब एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा तसल्ली से बताता हूँ मैं अगर पुलिस से ना पीछे छुड़ा लूँ वाह ऐसे छुड़ाऊंगा ऐसे मुझे तो नहीं लगता मैं पीछे छुड़ा पाऊंगा मुझे गाड़ी को ना बिल्कुल इजीली चलाना होगा यार ये शुक्र है 3 स्टार की पुलिस लगी हुई है 5 की लगी होती ना तो मैं बच ही नहीं पाता मुझे गाइस सेफली ना अपनी कार लेके जाना होगा ये पुलिस आगे चलो ठीक है अबे यो अरे भाई इस सुअर के बच्चे के कारण कोई बात नहीं कंट्रोल 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 सो गाइस देखो हमको ना जो आपको याद होगा कि पिछली बार हम साइंटिस्ट को उठा के लाए थे मिस्टर डूफ को मतलब डॉक्टर डूफ को तो गाइस हमको साइंटिस्ट ने ना 4 टास्क दिए ठीक है तो 4 टास्क मैं आपको कैसे बताऊं यार पुलिस वाले इधर ही आ रहे हैं यहाँ नीचे जाने का रास्ता नहीं है मैं अपनी कार एक्चुअली ना खोना नहीं चाहता भाई मैं सच कह रहा हूँ मैं कार अपनी खो दिया तो दोबारा बहुत मुश्किल होगा मेरे को दोबारा कार लेना पुलिस वाले आगे से ये नहीं 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 प्लीज यार पकड़ लिया पुलिस वाले ने फिर मैं आ गया उनकी रेंज में वाओ पुलिस वाले से पीछे छुड़ा लिया ओह भाई शुक्र लेकिन गाड़ी की हालत बहुत बुरी हो गई और मैं इसको लेके भी नहीं जा सकता ना कहीं पर रिपेयर करवाने के लिए यार क्योंकि पुलिस की कार है मेरे पास ड्रेस होती ना इतनी टेंशन नहीं होता मेरे को बट कोई बात नहीं गाइस मैं अब आराम से तसल्ली से ना अपनी जगह पे जाता हूँ सो अब मैं आपको तसल्ली से बताता हूँ कि हुआ क्या है आपको जैसा कि पता है कि पिछली बार स्पाइडरमैन हमारे वर्ल्ड में आया था जो कि एक किसी ग्लिच की वजह से ग्लिच नहीं आया मन से मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक के गलत परफॉर्मेंस के वजह से मतलब गलत परफॉर्म होने की वजह से तो अब हमको उसको वापस उसके वर्ल्ड में भेजने के लिए ना हमको कुछ चीजें इकट्ठा करनी है और वो हमको ना साइंटिस्ट ने बताया कैसे इकट्ठा करनी है तो सबसे पहला जो उसने चीज उनको बताई ना एक्चुअली उसने को 4 टास्क दिए तो उसमें से एक टास्क जो है ना तो आपको सुन के भी हंसी आएगा वो जो टास्क है वो है एक ह्यूमन लैब रिसर्च सेंटर से ना एक चीज लानी थी मतलब जो एक बहुत मजबूत मटेरियल से बनी हुई है जिसका हमको नीड होता है अपने स्पाइडरमैन को ना थोड़ा अपग्रेड करने के लिए क्योंकि जब स्पाइडरमैन ट्रैवल करेगा ना हमारे इस वर्ल्ड से दूसरे पोर्टल में तो उसकी जान जा सकती है तो उसको सेफ्टी के लिए ना एक सूट बनाना था और कुछ वही मटेरियल सेम मटेरियल ना हमारी एक मशीन में लगेगा जिस मशीन को अपना डॉक्टर डूब बनाएगा और वो जो मटेरियल है ना वो एक सूट मतलब वो मटेरियल ऑलरेडी यूज हो चुका है और उससे एक सूट बन चुका है और सूट का नाम था जुगाड़ो
हाँ वही सूट जो हम ऑलरेडी चुरा चुके हैं वहां से। अब मैंने तो डॉक्टर डूफ को बोला नहीं कि भाई वो महान चोर मैं ही हूँ, बट उसको मैंने कह दिया कि टेंशन मत लो, वो हम कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आएंगे। वो गाली पकड़ा था पता नहीं कौन, मतलब बदमाश ना ऑलरेडी चुरा के भाग चुका है वो सूट। अगर वो सूट होता तो एक टास्क आराम से जाता। मैंने उसको बोल दिया चलो कोई नहीं टेंशन मत लो, हम ले आएंगे वो सूट, तो हमारे पास तो ऑलरेडी वो सूट है ही पड़ा हुआ, तो मैं कहीं छुपा के रखा हूँ तो मैं तो ले आऊंगा ठीक है। और सेकंड टास्क जो है वो भी, लेकिन मतलब मुझे तो लगा था कि शायद हम लोग ह्यूमन रिसर्च सेंटर ना जाए, बट गाइस तब भी हमको जाना तो पड़ेगा क्योंकि वहां से हमको एक मशीन लानी है। एक्चुअली वो मशीन अंदर रखी हुई है, लेकिन डॉक्टर डूफ ने ना कॉल करके बोल दिया कि उस मशीन में ना कोई डिफेक्ट है तो वो वापस जानी है। तो मशीन बहुत महंगी और इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरह का मैं कैसे बताऊं आपको क्या है वो ना, अगर आप थोड़े बहुत भी सर्च करोगे ना तो आप एक सर्च करना LHC सर्च करना क्या होता है, और उसी का ना एक छोटा सा प्रोटोटाइप है। तो उससे मतलब क्या होता है ना, उसके अंदर एटम्स को आपस में टकराया जाता है जिससे ना मतलब लिटरली ब्लैक होल बन सकता है। मतलब उस मशीन से तो बनेगा नहीं, बट वो मशीन के अंदर जो पावर यूज होती है ना वो लिटरली इसी बेस पे होती है। आप सर्च कर लेना यार LHC क्या होता है, फुल फॉर्म इसका लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर होता है। तो उसी का छोटा सा एक ना प्रोटोटाइप है, तो उसी टाइप की एक मशीन है जिसमें ना एटम्स को मतलब बहुत फ्लो करवाया जाता है बिल्कुल लाइट की स्पीड से भी ज्यादा वगैरह वगैरह। थोड़ा साइंटिफिक चीज है तो उसको हटाओ, मैं आपको पकाऊंगा नहीं। तो हमको उसी का प्रोटोटाइप लाना है जिसके जरिए ना हम पोर्टल खोलने में आसानी होगी। अब वो मशीन में कोई डिफेक्ट है मतलब ऐसा डॉक्टर डूफ ने बोल दिया वहां पे कॉल करके वहां के अपने स्टाफ को, तो वो लोग वापस भेज रहे हैं। तो हमको टाइम पर पहुंचना होगा कि वो मशीन निकल ना जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कार के अंदर ना, कार या ट्रक जो भी हो उसके अंदर लोड हो चुकी है और बहुत सिक्योरिटी है वहां पर। तो हमको वहां से उस ट्रक को सेफली चुरा के लाना है बिना उस मशीन को मतलब डैमेज किए। और सबसे बड़ा सवाल है यार कि मेरी ड्राइविंग, मतलब मेरी ड्राइविंग आपको पता ही है गॉड लेवल की है, मैं तो भैंस की टांग साइकिल तक पे भी मतलब ठोक जाऊं, फिर भी ये तो कार है, लेकिन फिर भी हमको जाना पड़ेगा। और तीसरा टास्क जो है वो मैं आपको वहां पहले पहुंच जाता हूं उसके बाद बताऊंगा। और फ्रैंकलिन और लेस्टर भी अपने काम पे लग चुके हैं, और मैं यहां पे आया था ना तो मैं उसको अपने डॉक्टर डूफ को छोड़ दिया मैंने उसके ऑफिस, ताकि वो अपना इक्विपमेंट जो भी है ना उसका सामान वगैरह लैपटॉप वगैरह सब कुछ उठा के वो लेके चला जाए। भाई बहुत दूर है यार ह्यूमन लैब रिसर्च सेंटर, और एक चीज नोटिस कर रहा हूं मैं बिना ठोके कितने देर से गाड़ी चला रहा हूं। भाई ताली बजाओ प्लीज इस चीज के लिए, एटलीस्ट यार एक लाइक तो कर ही दो यार प्लीज। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ना सीधा सेंटर पे जाकर मिलता हूं। ओके सो गाइस हम लोग पहुंच गए अभी कुछ देख देख के। आपको याद आ रहा है जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मियोको को यहां पे लेकर आए थे? अब यार मियोको पता नहीं कहां है हमको, उस मियोको मैं उसका नाम मियोको भी बोलता हूं, यूमिको उसका नाम है और मियोको पता नहीं मेरी याददाश्त को भी क्या हो गया, बट कोई बात नहीं। वेट ओ उसने बोला तो था अरे क्या कर रहे हैं माइकल, तो यहां पे कार लगी हुई है ऑलरेडी। एक सेकंड मैं अपने स्नाइपर से देखूं, भाई ऑलरेडी कार लगी हुई है, सिक्योरिटी गार्ड ऑलरेडी हैं, बट अंदर सिक्योरिटी नहीं होगी मेरे ख्याल से। हाँ आई होप ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है, उसने बोला था कि सिक्योरिटी है, मुझे मे भी शायद ना जाना चाहिए या फिर एक बार दूसरी साइड पहाड़ पे जाना चाहिए मेरे को, क्योंकि मुझको बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा कि डॉक्टर डूफ ने तो बोला था कि सिक्योरिटी बहुत हाई हो गई है जब से हमने वहां से चोरी किया था ना जुकाडो सूट, तब से वहां पे हाई हो गई सिक्योरिटी। गाइस मैं पहुंच तो गया और मुझे कुछ दिख रहा है, एक चीज देखो आप, ये देखो एक बार भाई इतनी गाड़ियां सिक्योरिटी बे यार। बट कोई बात नहीं, मैं काम करता हूं, मैं चुपचाप गाड़ी से जाता हूं, माना शीशा टूट गया बट क्या पता ध्यान ना दे, फिर भी रिस्क लेके क्या ही मतलब चला ही जा। बट यार प्रॉब्लम पता है गाइस क्या है कि मैंने ना यार वेस्ट वगैरह कुछ नहीं लिया है, मैं बिना वेस्ट के ना रिस्क ले रहा हूँ, अगर मर गया तो भाई बुखला पकड़ा जाऊंगा या तो पकड़ा गया तो वाओ, इस तरह तो भाई पक्का जाने देंगे मेरे को वो लोग। मैं बिल्कुल स्लोली स्लोली जाऊंगा ठीक है, मैं चुपचाप जाऊंगा। एक सेकंड गाड़ी हटाएंगे क्या? नहीं हटाएंगे, कोई बात नहीं मैं साइड से लेके चला जाता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी पुलिस वाला है। वो बंदा क्या आ गया, वो था अंदर ना एक बंदा, ये उठाएंगे क्या? हेलो उठा दो, हॉर्न मारूं? नहीं कोई फायदा नहीं है। वो अंदर आती पुलिस हेलीकॉप्टर, ओ ओ भाई गलती हो गई मेरे से पिछली बार वाली, इस बार तो जुगाड़ो सूट भी नहीं है उस टाइम तो चौड़ में। वेट तुम्हारी भैंस की, तुम सॉलो रुक जाओ तुम्हारी, ये क्या है भाई, अबे तेरी मुझे जाने दो भाई, जाने दो भाई, जाने दो, अरे जाने दो भाई, व्हाट वेट उतर जा, बंद गेट बंद हो जल्दी, बंद हो जल्दी, बंद, गुड गुड गुड, क्या यही गाड़ी है? ओ भाई यही गाड़ी है क्या? ठीक है मुझको अब यहाँ से निकलना होगा भाई बाहर, अपने लोगों को देखो, मैं लेके जाऊँ इसे, कुछ होगा तो नहीं ना? ओ ओ भाई चलो बेटे निकलो 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 निकलो, एक बार आप लोगों को भीड़ देखो, मैंने कुछ देखा पीछे, एक सेकंड मुझे पता है इसके अंदर मुझे कुछ नहीं होने वाला। भाई भाई ये तो देखो एक बार, यहाँ पर लैम्बोर्गिनी, ये लैम्बोर्गिनी है ना पुलिस वालों की लैम्बोर्गिनी। यार मेरा जी तो कर रहा है इसी को चुरा के भाग जाऊं, बट मैं यहाँ से मार नहीं सकता, मेरे शीशे पूरे बुलेट प्रूफ लगे हुए हैं, ठीक है कुछ कुछ नहीं होगा बेटा तुम, मैं निकलो यहाँ सालो, निकलो 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 निकलो, चलो निकलो निकलो, इसका ध्यान देखो कहाँ है इसका इसका, चल बेटे निकल, कोई बात नहीं हम पुलिस से छुड़ा वो पीछा छुड़ा लेंगे, देखो कितने चार स्टार की पुलिस लग गई है ना, कोई बात। ओ भाई एक सेकंड एक सेकंड, मुझे अपनी गाड़ी ठोकनी नहीं है, ये मानता हूँ बुलेट प्रूफ है लेकिन मजबूत नहीं है भाई, इसके अंदर आगे वो लगा हुआ है कुछ, ठीक है आओ आओ निकलो,
ओ भाई नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पकड़ा जाऊंगा। मैं पहाड़ी पे चढ़ा दूं, बट इसके अंदर है क्या बस दिख नहीं रहा। यही कार थी ना पक्का भाई, डॉक्टर डूफ। यार मेरी ड्राइविंग, मुझे गाली देने का मन कर रहा है खुद को, पर जाने दो मुझको। हेलो पुलिस वालो प्लीज, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, वरना मैं सच में अब तक तुम लोग को ना भात भर देता। मजाक नहीं, जुगाड़ो सूट ला के ना मैंने लोग के भात भर दिया होता, बट ना डॉक्टर डूफ ने मना किया है। और ऊपर से क्या मतलब है भाई, जब तुम्हें पता है तुम नहीं भिड़ सकते हो पापा से अपने, तो क्यों भिड़ रहे हो खामा खामा। यार ये लोग मेरी गाड़ी की हालत, विंडो तोड़ दी इन लोगों ने, बट कोई बात नहीं, ठीक है मेरे पास तो वो जाली लगी हुई है, जाली से बच जाऊंगा। यार मुझे ना पहाड़ पे चढ़ाना पड़ेगा पता है, वरना मैं इनसे नहीं बचने वाला हूँ। ये लोग रोड पे इसकी स्पीड देख रहे हो ट्रक भाई, ये लोग मेरे ट्रक की स्पीड देख रहे हो कैसी हो जा रही है भाई। इस पे चढ़ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। ये हेलीकॉप्टर से पीछा कैसे छुड़ाऊं मैं, वेट यार मुझको सेफली भी तो लेके जाना है, मैं भूल क्यों गया, इसके अंदर टूटने वाली मशीन है। ओ वेट, कोई डैमेज ना हो जाए, नहीं तो हमारा यार प्लान चौपट हो जाएगा और स्पाइडरमैन अपना मर जाएगा। मुझको सबसे ज्यादा फिक्र स्पाइडरमैन की भाई, अपनी दुनिया की फिक्र नहीं है, मर जाए बर्बाद हो जाए दुनिया, ब्लास्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन स्पाइडरमैन मर जाए वो बर्दाश्त नहीं होगा मेरे से भाई। मैं तो मर जाऊंगा जीते जी, यार सुसाइड वगैरह कर लूंगा मैं जाके, ठीक है कहीं गेम के अंदर। यार ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे भाई, प्लीज यार तुम लोग को स्पाइडरमैन का मैं ऑटोग्राफ दिला दूंगा, प्लीज भाई छोड़ दो। ब्रेक 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 ब्रेक। मुझे क्या लगता है इसके अंदर जो सामान है ना गाइस वो गया, मैं डैम श्योर हूँ। मुझे ना सबसे पहले टनल ढूंढना होगा, ऐसी गाड़ियां ना हमेशा टनल्स पे बच जाती है ना, तो ये तो रोड इधर जा रहा है, मुझको टनल पे जाना होगा। मैंने मैप में निशान लगा लिया है, मुझको बस एक बार इस जगह पहुंच जाना है। एक सेकंड, सामने वो टनल है क्या? मैं ये सब नहीं करना चाहता, ये लोग जानबूझ के खुद आके मर रहे हैं, मैं जानबूझ के नहीं मार रहा हूं, ठीक है कमेंट मत कहना कि भाई तो पुलिस वालों को मार दे, तो बोला था नहीं मारूंगा। ये देखो मुझे मालूम था ऐसे कट मारेंगे, तू ऐसे मारेगा, ये ले बेटा मैं तुम लोग को मारने भी नहीं, तुम लोग को मरने भी नहीं दूंगा ना ही मारने दूंगा। ये क्या ट्रैक, वो ट्रेन वाला ट्रैक, हाँ ये ट्रेन वाला ही ट्रैक है, मुझको इसके ऊपर जाना है, बस आई होप आगे से ट्रेन ना आए। वो देखा भाई आपने, वो गाड़ी कैसे चला रहा है भाई, इन लोग को फिक्र नहीं है क्या, क्या कर रहे हैं, खुद मर रहे हैं भाई, मेरे ऊपर कोई उंगली मत उठाना। ये देखो कौन से नशे में हो सर आप लोग, आपको फिक्र नहीं अपने लोगों की, मतलब मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ, इसके अंदर का सामान इतना इंपॉर्टेंट है क्या। ये देखो देख रहे हो, मेरे को मत कहना मैंने किसी को कुछ किया, मैं तो भाई चुपचाप टनल ढूंढ रहा हूँ बस, मैं फिर उसका तुम लोगों से मतलब ही नहीं रखूंगा। ये देखो देखिए आप भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सनक गए हैं भाई बंदे, ये देखो यार क्या ही बंदे कोई नहीं कोई नहीं। वो एक सेकेंड, मैं इस पे चढ़ा नहीं सकता ना, वरना मैं चढ़ा देता, मजाक नहीं, वरना मैं सच में चढ़ा देता, बट मैं नहीं चढ़ा सकता ना, प्रॉब्लम तो यही है। बस बस टनल आ गया, बढ़िया। ये देखो पुलिस वाले, आई होप आगे से ना आए, प्लीज ना हो मत आओ, प्लीज पुलिस वाले प्लीज चले जाओ, प्लीज चले जाओ। और गाइस पता है मैं बेवकूफ, मैंने हॉर्न ऑन कर रखा था अपनी व्हीकल का। ओके अभी सब कुछ शांत है, वो देखो ब्लिंक होने लगा है, मतलब क्या कहते हैं इनका पुलिस वालों का जो भी वो होता है ना स्टार, नहीं हुआ, हो गया गुड, कोई बात नहीं हम बाहर निकलते हैं उसके बाद देखते हैं। ट्रेन आ रही है, हम बच जाएंगे ना, हाँ बच जाएंगे, जितना नहीं 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 बचे, कोई बात नहीं फिर भी बहुत बचे, प्लीज प्लीज नहीं प्लीज निकल जा, मुझे टनल से निकलना होगा गाइस, मेरी गाड़ी की हालत खराब कर दी वो तो भाई, सुकर इतना मजबूत कार है यार कि बच गया, मुझको यहाँ से निकलना होगा। पता नहीं यार अंदर का सामान सेफ है कि नहीं, मुझको ये भी नहीं पता सामान अंदर है भी कि नहीं, लेकिन पुलिस इस तरह पीछे पड़ी थी ना, लग तो रहा था कि हाँ भाई कुछ कीमती सामान है, वरना वो इतना कुत्ते की तरह नहीं पड़ती यार, इतनी बड़ी सिक्योरिटी नहीं लगती। सो गाइस ओके, हम लोगों ने इजिली ह्यूमन रिसर्च सेंटर से हमने वो मशीन जो भी है इसके अंदर वो हमने यहाँ से मतलब चुरा लिया, और हमारे दो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे दो टास्क और बचे हुए हैं। सो उसमें से एक टास्क है ना गाइस, वो अपना लेस्टर करेगा, मतलब लेस्टर क्या करेगा, हमको जो मशीन हम बनाएंगे ना उस मशीन में गाइस हमको बहुत, चला जाए यहाँ से, निकल 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 टांग, पानी नहला दूंगा सबको, थोड़ा पानी उन्हें डाल देता हूँ यार, इधर थोड़ा घास वास सूख जाए, ये पेड़ बेचारे सूख गए हैं, थोड़ा जाओ जाओ पानी ले लो। अरे यार मेरी यही हरकतें ना बहुत बेकार लगती है मुझको, पता है सच में, जब वीडियो एडिट करने बैठता हूँ ना बहुत गाली देता हूँ खुद को, फिर से वही हरकतें। तो गाइस देखो हमको उस मशीन को ना बहुत इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी, तो लेस्टर गया है अपने लॉस सैंटोस के ना पावर हाउस गया है, जहाँ से पूरी इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उस जगह पे लेस्टर जाया गया है, और वहां से वो कुछ जुगाड़ करेगा ताकि एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हमको उस मशीन के लिए जरूरत होगी ना इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हमारे एरिया में भेज सके, ताकि अपना डॉक्टर डोफ उस एनर्जी को यूज कर सके, मतलब उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सके उस मशीन को पावर अप करने के लिए। चौथा टास्क जो है वो फ्रैंकलिन को दिया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, अपना जो डॉक्टर डोफ है उसने बोला कि एक
हमको जगह चाहिए होगी जहाँ पे हम इस मशीन को बिल्ड कर सकें, जो कि बहुत हाईटेक हो, एटलीस्ट सारे उसमें वहाँ पे कंपोनेंट्स मिल जाए, मतलब औजार वगैरह जो भी हो। बट हम लैब जा नहीं सकते, ह्यूमन रिसर्च सेंटर मतलब जा सकते हैं लेकिन फिर उसके लिए कुछ तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है और उतना टाइम नहीं हमारे पास। सबसे बड़ी दिक्कत टाइम की है, हम वहाँ जा सकते नहीं। और फिर लास्ट का जो हमने अड्डा देखा था वहाँ पे भी इतना कुछ खास चीज़ें नहीं पड़ी हुई हैं। फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि लॉस सैंटोस में एक बंदा है जो कि इलीगल काम करता है, मतलब कार के मामले में ना, मतलब पूरे लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा डीलर है वो इलीगल व्हीकल्स का। और मतलब उससे ना कोई भी कार कैसे भी मॉडिफाई करवा लो, किसी भी टाइप की मॉडिफाई करवा लो, तो उस बंदे को वो जानता नहीं है बट उसे मालूम है कि हाँ एक बंदा है। तो फ्रैंकलिन गया उस बंदे के पास उससे बात करने के लिए। उस बंदे का नाम एक्चुअली बैनी है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा मतलब डीलर है कोई गाड़ी वाड़ी का कुछ भी होगा। तो वहां पर गया फ्रैंकलिन उस बंदे से बात करने के लिए ताकि वो दिला दे। आप कहोगे कि फ्रैंकलिन कैसे आ गया, फ्रैंकलिन तो अपनी सिस्टर के पास गया था। नहीं, वो आ गया कल ही आ गया था शाम को, जो हमारा मिशन हो गया था ना, फ्रैंकलिन आ गया था अपनी सिस्टर को देखकर, मतलब उसकी बहन थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो फिर वो आ चुका है, ठीक है। तो अब वो गया है वहीं बैनी को मतलब मनाने के लिए, एक्चुअली डीलिंग करने के लिए, यार सिंपल सी बात कहूँ तो मनाने के लिए क्या ही। अब देखते हैं हम मतलब मना पाता है कि नहीं, अगर नहीं मना पाया तो फिर माइकल को जाके मिलना पड़ेगा, फिर अपनी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी उससे जाके। बाकी गाइस मैंने आपको चारों टास्क बता दिए हैं। अबे हट जा यार, हट जा भाई। अच्छा सॉरी यार, तो बस है, खटारी सी बस है भाई, सॉरी माफ कर दे मेरे को, तेरी लाद हो देता हूँ थोड़ी, इतनी गंदी हो रखी है, 5 रुपए दे दियो आके मेरे को। सब गाइस हम देखते हैं बस कि फ्रैंकलिन अपना टास्क कर पाता है कि नहीं। और बाकी अभी तो हम जा रहे हैं अपने लैस्टर के अड्डे पे, देखते हैं स्पाइडी भी मतलब क्या है क्या नहीं, और अपना डॉक्टर डूफ आता है कि नहीं, या फिर अभी भी वो अपने ऑफिस में ही गया है सामान वामान लेने के। तो फिर उसके बाद सीधा मैं आपसे मिलता हूँ। ओके सो गाइस हम लोग यहाँ फाइनली पहुँच गए अपने ट्रक को ला के। अरे हाँ बस यही कम थी, कोई नहीं तोड़ दूंगा मैं, लास्टर को बोल दूंगा भाई देख लियो तू। एक सेकंड, वहां पे शटर है ना, तो मुझको वहां पे रखना होगा इस तरह कि ये बंदे आके अपना लेके चले जाए सामान। चला जाए, तोड़ दे कोई दिक्कत नहीं। बस 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 यहाँ से अपना आराम से ये खुल जाएगा और हम यहाँ से आराम से चले जाएंगे। और मैं एक बार अंदर जाके स्पाइडी को अपने देख लूँ भाई कि स्पाइडी क्या ही कर। अरे ऊपर से चढ़ जाए जल्दी से यार, बस एक बार देख ले अंदर कोई नहीं है। गुड, कोई नहीं है, अच्छी बात। वेट, इसने मेडिक का बना रखा था, मैं पिछली बार ध्यान नहीं दिया। बट स्पाइडी अपना लेटा हुआ है यार, मुझे लेस्टर को ना मारने का मन कर रहा है भाई। वो देखना एक सेकंड, वो बंदों को ला के रख दिया और स्पाइडी अपने ड्रेस में है, और स्पाइडी के बारे में लोग जानेंगे नहीं भाई क्या। और वहां पे एक नर्स भी खड़ी है, मतलब सिस्टर खड़ी है, नर्स कह लो चाहे सिस्टर, वो स्पाइडी को देख रही है। और ये ओके सॉरी भाई, एक सेकेंड, ये अपने कुछ मेडिसिन वगैरह निकालने में लगा हुआ है। और अपना स्पाइडी तो यार बहुत वीक हो गया, देखो उसकी हाथ देखो यार कैसे हरकत कर रहा है उसका, वहाँ पे देखो वो चल रहा है क्या कहते हैं जो भी हो। भाई ये चीज पिछली बार नहीं देखा था मैं, बिल्कुल नहीं ध्यान दे, क्योंकि मैं अंदर घुसते सीधा मेरा ध्यान उधर राइट साइड पे गया। गाड़ियां तो बड़ी अच्छी अच्छी हैं यार, मैं सोच रहा है गाड़ी इनमें से उठा के ले जाऊँ क्या। बट यार कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं लास्टर क्या ही बोलेगा। वैसे गाड़ियां तो काफी अच्छी है बट मुझे नहीं चाहिए भाई, हम लोग खरीद लेंगे पहले, हम इस मुसीबत से तो बाहर निकले। चलो कोई नहीं यार, हम स्पाइडी से तो मिल ली है, देख लिया हमारा स्पाइडी ठीक ठाक है अभी। और अपना ट्रक, वेट गाइस अपना ट्रक गायब हो गया। अबे भाई एक सेकेंड, कॉल लगाओ लेस्टर को यार। ये वेट कॉल, लेस्टर का नंबर है मेरे पास, ये रहा लेस्टर को। शुगर है गाइस, मेरी बात हो गई लेस्टर से, मैं डर गया भाई। गाइस वो पता है ऊपर के फ्लोर पे उसके बंदे जो रख रखे हैं ना, मतलब हम उस साइड जा रहे हैं ना बट इस साइड ही बंदे हैं, तो मतलब वही बंदे ना यहाँ शटर से अंदर से सामान लेके चले गए। एक्चुअली ट्रक को अंदर तो नहीं किया, ट्रक कहाँ गई भाई। ये बड़ा गंदा यार लेस्टर का तरीका यार, ये गलत है भाई, बताना चाहिए एटलीस्ट। पर अपनी कार भी तो उसने नहीं कहीं वो करवाई, क्योंकि हम यहाँ कार खड़ी किए थे ना अपनी, जो जिप थी हम भिक्षु से लेकर आए थे। आई डोंट नो बट ठीक है, उसने हमारी बात हो गई, मतलब उसने बोला कि हाँ मैंने देख लिया है सब कुछ, मतलब उससे हमारी बात हो गई, उसने बोला कि हाँ उसके मतलब लड़कों ने अंदर कर दिया होगा, मतलब सामान अंदर का निकाल लिया होगा जो भी कुछ हो। लेकिन यार लेस्टर से सच बताऊं मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है यार, मेरे को अंदर कुछ ही देर हुआ और भाई ट्रक तुरंत गायब। मैं सच में डर गया, मैं कहा यार ट्रक कहाँ चली गई। हम फ्रैंकलिन से एक बार बात कर लेते हैं, फ्रैंकलिन गया था जिमी के पास ना उससे बात करने। अरे यार मैं जिमी क्यों कह रहा हूँ, बैनी के पास, सॉरी मैं एक बार बैनी के पास रहा था। मैंने मैप में ना मार्क लगा दिया है, उस बैनी को देख लेता हूँ भाई कौन सा बंदा है लीगल काम कर रहा है हमारे होते हुए। यार गाड़ी बड़ी स्मूथ चल रही है भाई, प्यारी आवाज भी कर रही है। चलो कोई बात नहीं, हम गाड़ी भी लेंगे यार, लेकिन पहले प्रॉब्लम से हम बाहर निकल जाते। ठीक है हम फ्रैंकलिन के पास सीधा जा रहे हैं और फ्रैंकलिन के पास सीधा आपसे मिलते हैं। गाइस मुझे अभी डॉक्टर डूफ का कॉल आया था और डॉक्टर डूफ कह रहा है कि फ्रैंकलिन ने उसको भी बता दिया। सबसे पहले फ्रैंकलिन ने उसी को कॉल किया कि हमको जगह मिल चुकी है, मतलब जहाँ पे हम अपना पूरा प्लेस करेंगे। तो गाइस डॉक्टर डूफ ने हमको कहा है कि हमको सीधा बैनी के पास मिलना है। एक्चुअली मैं बैनी के पास ही जा रहा हूँ, बताने के चक्कर में आपको अपनी गाड़ियाँ कहाँ कहाँ घुमा रहा हूँ। सो मेरे को ना बैनी के पास जा रहे हैं और वो अपना डॉक्टर डूफ भी वहीं पर आ रहा है और वो उस प्लेस को देखेगा कि प्लेस कैसा है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि मान लो हम मशीन लेके चले जाएं, जो भी मशीन हम अभी चुरा के लाए हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे पता चला डॉक्टर को जगह पसंद नहीं आई, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना फिर मशीन, क्योंकि बहुत रिस्की भी है उसको उधर लेके घूमना भी। तो हम सीधा बैनी के पास जा रहे हैं और अपना डॉक्टर डूफ भी पहुंच जाएगा। तो मुझको ध्यान आया
कि यार हम लोग तब से फाइट कर रहे हैं बट अब तक हमारे पास कोई वेस्ट नहीं है, और मैं सच कह रहा हूँ मैं आज तक सिर्फ एक बार वेस्ट खरीदा हूँ, उसके बाद वेस्ट ही नहीं लिया, और यहाँ आई होप वेस्ट मिल जाए। सॉरी यार ये जगह नहीं है, ये तो पता नहीं कौन सा वो है मोटर शॉप, प्रीमियम डीलक्स मोटर शॉप, यहाँ पे भी कभी आएंगे हम कार लेने जो अमीर बन जाएंगे, और इधर कहीं पे है शॉप ये ना एम्यूनेशन, ठीक है गुड। ओके सो सुपर आर्मर गाइस, अब ये सोच रहे हो ना हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, एक्चुअली हमारे पैसे नहीं है ये लेस्टर के पैसे हैं। चलते हैं कोई नहीं, हम वहाँ पहुँचते थोड़ी सी दूरी पे, एक्चुअली मुझे यहाँ पे आने के बाद याद आया। ओके वेट, किसी का कॉल आ रहा है। ओके सो गाइस वहाँ पे अपना क्या कहते हैं जो डॉक्टर डूफ है वो पहुँच चुका है, फ्रैंकलिन भी पहुँच चुका है, और अब चल के एक बार देखते हैं कि भाई ये कौन है। बैनी, यार बैनी ना मुझे जान पहचान नाम लग रहा है, एक बार याद होगा आपको हम वो ट्रक उठा के लाए थे, मतलब मांग के लाए थे उधार, जो याद है हमारा जो फर्स्ट टाइम हम पे अटैक हुआ था और ट्रेवर ने हम पे अटैक किया था, तब हम जाके एक जगह से ट्रक लेके आए थे जिससे हम अपना घर का सारा ब्लास्ट हुआ। गाड़ी एक सेकंड, यहाँ पे है, इधर कहाँ है भाई, मेरे रहते हुए मैं आज तक वो कभी नजर क्यों नहीं आया, इधर भी कोई बैनी नाम का बंदा है तो वो, लेकिन उस लड़की का नाम ना पता नहीं बैनी पोलार्ड ऐसी कुछ करके नाम था। वेट ये है, हम कार ले जा सकते हैं अपने अंदर, नहीं यार इतनी खटारी कार कौन ले जाए, हम ऐसे ही चलते हैं। वो फ्रैंकलिन है ना ये, ओ भाई ये कौन सी जगह, ओ ये बैठा कैसे, एक सेकेंड फ्रैंकलिन उतर 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 जा फ्रैंकलिन उतर, एक्सक्यूज मी मत कर, पता नहीं आप लोग को ध्यान में आ रहा है कि नहीं बट ये टैरजो है ये, एक सेकेंड अगर ये टैरजो हुई ना, वेट नाम क्यों नहीं आ रहा इस पे, यार ये मेरी टैरसो है, पीछे नाम होगा ना लिखा हुआ, पीछे नाम नहीं नहीं लिखा भाई, मैं डैम श्योर हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये मेरी टैरसो है, मेरी नई टैरसो जो हम 20 मिलियन या 2 मिलियन पता नहीं कितने का लेकर आए। एक सेकंड, ये अपना डॉक्टर डूफ, ये बैनी है क्या, लिखा तो है इसके टी शर्ट भी बंदे का नाम है बैनीज, मतलब बैनी, और ये लोग बातचीत कर रहे हैं पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। डॉक्टर डूफ भाई ये मेरी टैरसो है, इसको कहाँ से मिली, और ये तो टूट फूट गई थी, इसने रिपेयर करवाया है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ यार ये मेरी ही टैरसो है, मैं पक्का कह रहा हूँ, एक सेकंड मेरे को दोबारा अंदर बैठने दो भाई, ये मेरी टैरसो बंदा चोर छोटा सुअर का बच्चा उठा के ले आया, ये मेरी है गारंटी दे रहा हूँ, हाँ ये मेरी टैरसो है। अबे यार चलो इतना पता लग गया हमारा टायर्स सेफ है, ठीक है हम चलो चल के फिर बात कर लेते हैं भाई इन लोगों से कि हाँ, मतलब डॉक्टर डूफ से पूछ लो, डॉक्टर डूफ को जगह पसंद है या नहीं, हम स्पाइडी को यहाँ लाएं और मशीन बनाएं कि नहीं पता नहीं। ओके 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 सो अब देखो डॉक्टर डूफ ने हमको बोला ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, और अब हमें कुछ को जुकाडो सूट ला कर देना होगा, हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से। अभी मैंने फ्रैंकलिन को बोल दिया है कि वो जाए और वो लेकर आ जाए वो जो भी मशीन है, यार यहाँ से कार चोरी हो गई, वाह। अबे यार ये बड़ा गुस्सा आता है मेरे को यहाँ से ना, मतलब मेरे से बड़े चोर भरे हुए हैं, मतलब मैं चोर नहीं हूँ, लेस्टर ने बता दिया कि हाँ उसका काम हो चुका है वहां पर जो भी है, वो बस एक टाइमिंग पर्टिकुलर टाइमिंग पे जाके वो कॉल करना है उसको, बस वो कॉल कर देगा और वहां से बंदा वो स्विच ऑफ कर देगा, पूरी लॉस सेंटोस की ना जो मतलब पावर है वो चली जाएगी, और उसके बाद सारी पावर इस एरिया में आएगी, मतलब इस एरिया को हमको पहले डिसाइड करना था ना, तो अभी डॉक्टर डूफ ने बोल दिया कि हाँ ये एरिया डिसाइड है, तो इस आस पास में बस लाइट आएगी, बाकी कहीं पे भी लाइट नहीं आएगी। ठीक है हम लोग बिल्कुल अपने मिशन के करीब है अपने स्पाइडी को वापस भेजने के लिए, और मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे भाई मशीन वो बनाएगा बंदा, लेकिन हमने एक बार भी अंदर का कुछ टूर तो लिया ही नहीं यार अपने उसका पैनी का, पर देख लेते हैं भाई ऐसा क्या है इसकी जगह में जो डॉक्टर डूफ को पसंद भी आ गया, और इस बंदे से ही बात करनी पड़ेगी अपनी टायर्सो के लिए, भाई हमारी टायर्सो है वो, भाई मेहनत की कमाई से मतलब वो पैसे वो किए भाई हमने, चल के देख लेते हैं इसके पास ऐसा क्या इक्विपमेंट है भाई जिससे ये मशीन बना देगा, मतलब लिटरली एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में जाने वाली मशीन, सोचने की बात है भाई, आम बात नहीं है, एक लिटरली ब्लैक होल बनाने वाली जो मशीन है। तो कार ठीक हो ना भाई, कार तो इसमें तगड़ी तगड़ी है यार, भाई बंदे की जगह तो है भाई तगड़ी, मैं क्या सोच रहा हूँ यार मैं भी ऐसा शोरूम वगैरह कुछ बना लूँ क्या, भाई मानना पड़ेगा जगह तो बड़ी धासुर बनाई है बंदे ने, इसके अंदर क्या है शटर खुलता होगा ना, मैं कहीं भाई बहनी भगा मत दियो मेरे को, उसे से भगाएगा नहीं मेरे को, इस बंदे से बहुत बड़ी डील भी तो हुई होगी, पता नहीं फ्रैंकलिन ने क्या ही डील किया है, आई डोंट नो, अब वही जाने। यार आपको एक चीज नोटिस कर रहे हो, मेरे जैसा बंदा मैं क्या से क्या कर रहा हूँ, मैंने भिक्षु से डील कर ली, नहीं मालूम किस लिए, उसने अब तो बताया नहीं है, लेस्टर बताएगा हमको, हमने लेस्टर से डील कर रखा है, चलो ठीक है लेस्टर का समझ में आता है उसको पैसे मतलब है, हमने फ्रैंकलिन से तक लेस्टर ने मतलब मेरे बिहाफ पर लेस्टर ने सबसे डील कर लिया, भाई मुझे लेस्टर को शक हो रहा है कहीं मेरे को धोखा ना दे दे, लेकिन नहीं पता नहीं यार अभी बैनी से क्या ही डील किया होगा इसने, पर सारे डील हम कर लेंगे यार, क्या ही हो जाता था किसी बंदे को मतलब उठाना होगा चाहे कुछ समथिंग ऐसा ही होगा यार, ज्यादा क्या ही होगा, बट यार शोरूम मानना पड़ेगा भाई, शोरूम बहुत प्यार यार इसका, मैं सोच रहा हूँ इससे 10 गुना नहीं 20 गुना 50 गुना बढ़िया ना शोरूम मैं भी बनाऊं। चलो ठीक है गाइस, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आज के लिए बस इतना ही, अब हम अगले एपिसोड में मतलब यूनिवर्स टू यूनिवर्स हम वो करेंगे ट्रैवल, मतलब मैं नहीं करूंगा स्पाइडी को करवाएंगे, और आई होप सब कुछ सेफ हो, वरना अगर कुछ गड़बड़ हुई तो यार मतलब ना सब कुछ चला जाएगा, मैं चला जाऊंगा, माइकल चला जाएगा, ट्रैवर मतलब ये झाड़ झूड़ सब कुछ, ट्रैवर की पागलपंती, हमारी चोरी, हमारी गाड़ी, हमारी ये दुनिया सब खत्म हो जाएगी अगर हम लोग का मिशन फेल हो गया तो। गाइस दुआ करना कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाए, बाकी मैं आता हूँ।